हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि टर्बो सी प्लस प्लस पर यानी कि सी लैंग्वेज में हम किस प्रकार से दो नंबर्स को ऐड कराने का मैट्रिक्स का प्रोग्राम बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम टर्बो सी प्लस प्लस को ओपन कर ले नहीं बना रहा हूं मैं, यहां पे डायरेक्ट मेन फंक्शन से शुरुआत कर रहा हूं। मैं यहां लिखता हूं वर्ड मेन, ओके। आप हेडर फाइल बना भी सकते हैं, ठीक है, अगर नहीं बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहां सबसे पहले मैंने लिखा मेन फंक्शन, उसका इंट टाइप का डेटा टाइप लेता हूं, ठीक है, इंट। और इसमें देखिए मैं जो एरे चूज करूंगा, क्योंकि हम एरे के थ्रू इसको मैट्रिक्स को ये कराएंगे, तो पहला जो वेरिएबल होगा वो ए होगा। इसमें तो थ्री रोज थ्री कॉलम्स हमने करा लिए, इसके बाद बी, फिर इसमें भी थ्री रो थ्री कॉलम्स, तो ये कर दिया हमने। और एट लास्ट सी होगा, तो सी में भी थ्री रो थ्री कॉलम्स हम बनाएंगे। इतना बना लेने के बाद आई और जे लूप चलाने के लिए बनाएंगे। लूप चला लेने के बाद यहाँ पे स्क्रीन को क्लियर करने के लिए सी एल आर एस सी आर दे देंगे। सी एल आर एस सी आर देने के बाद यहाँ पे नीचे प्रिंट एफ देंगे, क्योंकि हम स्क्रीन पे क्या देखना चाहते हैं, इंटर नाइन नंबर फॉर फर्स्ट मैट्रिक्स, ओके, ये देखना चाहते हैं। यहाँ से टर्मिनेट करेंगे। अब यहाँ पर जब हम आएंगे तो लूप लगाएंगे। लूप रेपिटिशन के लिए लगाते हैं, आपको पता है आई की वैल्यू को जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं, एरे है ये, आई इज लेस देन और इक्वल टू, कहां तक चलेगा लूप हमारा, टू तक चलाएंगे, तक चला दिया हमने, और एट लास्ट आई प्लस प्लस, फिर एक लूप, ठीक है, जे इज इक्वल टू जीरो, जे इज लेस देन और इक्वल टू टू, ठीक है, जे प्लस प्लस, ओके, ये हमारा पहला काम हो गया। अब यहां पे स्कैनएफ लगाते हैं, स्कैनएफ परसेंट डी एड्रेस ऑफ, एड्रेस ऑफ ए आई जे, ओके। सो इतना करने के बाद टर्मिनेट करेंगे इसे, फिर नीचे आएंगे तो यहां फिर वापस से प्रिंट एफ लगाएंगे, इंटर नाइन नंबर फॉर सेकेंड मैट्रिक्स देंगे, इंटर इससे वही फॉर लूप, ठीक है, तो फॉर लूप लगाएंगे और सेम वही काम करेंगे जो हमने अभी पहले किया था प्लस, ओके। और इसके बाद अब यहां पर स्कैनफ लगाने की बारी, तो यहां स्कैनफ लगाते हैं, और स्कैनफ में क्या देंगे हम, परसेंट डी एड्रेस ऑफ बी आई जे, ओके। सो टर्मिनेट कीजिए इसे, और टर्मिनेट करने के बाद नीचे आइए, यहां पर क्या करना है आपको, यहां पे अब हमें, हमने ए में वैल्यू एंटर करवा दिया, बी में भी एंटर करवा दिया है, अब हम कैसे उसको स्टोर करेंगे वो हमें देखना है। तो एक लूप मैं लगाता हूं, ठीक है, फॉर लूप, फॉर आई इज इक्वल टू जीरो, यहां पर भी लगाएंगे लूप, आई इज लेस देन और इक्वल टू टू आई प्लस प्लस, ओके। लूप की बॉडी कर्ली ब्रैकेट से बनाएंगे, फॉर जे इज इक्वल टू जीरो, जे इज लेस देन और इक्वल टू टू जे प्लस प्लस, यहां भी कर्ली ब्रैकेट से बॉडी बनाएंगे। अब यहां पर हमें सी आई जे, ठीक है, इज इक्वल टू ए आई जे प्लस बी, ओके, कॉटेट, तो ये लिखेंगे हम, ठीक है, तभी तो हमारा सम होकर आएगा। तो इतना लिखने के बाद अब इसको प्रिंट करवा दीजिए आप, ठीक है, यहां लिखते हैं प्रिंट एफ, और यहां से प्रिंट करवाते हैं परसेंट डी, ओके, और सी आई जे की वैल्यू, तो यहां लिखते हैं सी आई जे, ठीक है, तो ये प्रिंट हो जाएगा। और यहां पे पहला कर्ली ब्रैकेट क्लोज करेंगे, लाइन भी चेंज करना चाहते हैं तो यहां प्रिंट एफ लगा दीजिए, ठीक है, बैक स्लैश एन लगा दीजिए, बैक स्लैश एन लाइन चेंज करने के लिए यूज होता है सी लैंग्वेज में, तो यहां बैक स्लैश एन लगा दिया हमने। और उसके बाद एक कर्ली ब्रैकेट क्लोज करेंगे, और फिर यहां पे मैं गेट सी एस लगा के तब कर्ली ब्रैकेट क्लोज करता हूं, ठीक है, ये हो गया। अब इसको सेव करता हूं, ये सेव हो गया, मैट्रिसेस डॉट सी कंपाइल करवाते हैं, सक्सेस हो गया, रन करवाते हैं। अब यहां पे नाइन नंबर एंटर करते हैं हम, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, फिर वन टू थ्री
4 5 6 7 8 9. तो यहां पे देखिए 1 1 1 देख रहे हैं, यहां पे 2 होके आ रहा है, मतलब 1 plus 1 का सम होके आ रहा है 2. फिर एंटर किया हमने, फिर 1 plus 1 plus 1 का 2 हो रहा है, फिर 2 हो रहा है. तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये एग्जीक्यूट हो रहा है. अच्छा सपोज कीजिए अगर आपको 16 नंबर्स को आपस में करेस्पोंडिंग एलिमेंट को कराना हो तो कैसे करेंगे. चीजें सब कुछ वही रहेंगी, बस यहां आपको लिख देना होगा 3. ठीक है, यहां आपने 3 लिख दिया, फिर यहां पर लिख दीजिए 3. ठीक है, तो ये 16 करेस्पोंडिंग एलिमेंट को सम करके देगा आपको. यहां पे देखिए, यहां पे लिखा मैंने 3, यहां पे 3 दे दीजिए, यहां पे दे दीजिए, बस हो गया. अब यहां पे इंटर 9 नंबर्स की जगह इंटर 16 नंबर कर दीजिए आप. ठीक है, यहां मैं लिखता हूं इंटर 16. ओके, और यहां पे 9 नंबर है तो यहां पर इसको हटाइए सेव, देन करवाते हैं कंपाइल, देखते हैं क्या होता है. सक्सेस हो गया, अब इसको करवाएंगे रन, तो ये रन भी हो गया. अब इसको करवाते हैं, यहां पे मैं 2 2 का अप करता हूं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड एट लास्ट 16. तो ये 16 हो गया, फिर अब 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16. तो ये देखिए यहां पे 2 2 का जो सम है वो करेस्पोंडिंग एलिमेंट का सम दे रहा है, और यहां 4 के रूप में ही आ रहा है. फिर यहां पे देखिए 4, फिर यहां पे देखिए 4, और फिर यहां पे देखिए 4. तो आप देख सकते हैं कि 4 बार इसने 4 प्रिंट किया है. तो इस तरीके से हम दो मैट्रिक्स का सम बहुत ही आसानी के साथ करा सकते हैं. उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी. अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.